मॉर्निंग क्लास, हाउ आर यू ऑल? होप यू ऑल आर फाइन. यू आर एंजॉइंग योर क्लासेस, यू आर एंजॉइंग योर फिजिकल एक्टिविटीज. वेरी गुड. योगा सबने एंजॉय किया? सबने योगा किया? वेरी गुड. सो इन टुडेज क्लास हम पढ़ेंगे सम बेसिक मैनर्स. सम बेसिक जो हमारे मैनर्स होते हैं, मतलब जो अच्छी अच्छी चीज़ें होती है, और कुछ हमारी बॉडी हाइजीन. बॉडी हाइजीन मतलब कि हमें अपनी बॉडी को कैसे नीट एंड क्लीन रखना चाहिए. जैसे हम घर नीट एंड क्लीन रखते हैं, हमें अपनी बॉडी का कैसे केयर करनी चाहिए, कैसे उसे नीट एंड क्लीन रखना चाहिए. तो आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे. सो गुड मैनर्स, फर्स्टली व्हेन यू वेक अप, जब आप सो के उठते हो, व्हाट यू हैव टू से? यू हैव टू से गुड मॉर्निंग टू योर मम्मा, टू योर पापा, मदर, फादर, सिबलिंग्स. तो आप सबको सुबह मॉर्निंग उठ के क्या बोलोगे? गुड मॉर्निंग. व्हाट यू हैव टू से? गुड मॉर्निंग. रिपीट आफ्टर मी, गुड मॉर्निंग. वेरी गुड. एंड व्हेन यू हैव टू मेक अ रिक्वेस्ट टू समवन, जब आपको कुछ चाहिए किसी से, जैसे फूड चाहिए या आप कुछ भी चाहिए, आपको पेंसिल चाहिए, इरेजर चाहिए, अपने सिबलिंग्स से चाहिए, अपने फ्रेंड्स से चाहिए, तो आप उन्हें क्या बोलेंगे? प्लीज़ प्लीज़ गिव मी दिस, प्लीज़ गिव मी दैट. सो आप क्या बोलोगे उस टाइम पे? प्लीज़. रिपीट आफ्टर मी, प्लीज़. वेरी गुड. सो इन आफ्टरनून यू हैव टू से गुड आफ्टरनून टू योर पेरेंट्स. जब दिन हो जाता है ना, तब आप क्या बोलोगे? गुड आफ्टरनून टू योर पेरेंट्स. क्या बोलोगे आप? गुड आफ्टरनून. वेरी गुड. सेम जब आप रात को सोने जाने से पहले आप अपने मम्मा पापा को क्या बोलोगे? गुड नाइट. क्या बोलोगे अपने मम्मा पापा को? गुड नाइट. एंड वन मोर थिंग, जब आपके मम्मा आपको फूड सर्व करेंगे या आपको कुछ भी देंगे, जब आप खाना खा लेंगे, तो आप क्या बोलेंगे? थैंक यू. क्या बोलेंगे आप? थैंक यू. क्या बोलेंगे? थैंक यू. वेरी गुड. सो अब हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ी अभी बेसिक मैनर्स, कि सुबह उठ के हमें क्या बोलना है? गुड मॉर्निंग. आफ्टरनून में हमें क्या बोलना है? गुड आफ्टरनून. सोने से पहले हमें क्या बोलना है? गुड नाइट. जब हमें किसी से कोई रिक्वेस्ट करनी है, हम क्या बोलेंगे? प्लीज़. जब मम्मा या कोई हमें कोई गिफ्ट देगा या मम्मा हमें खाना देगी, तो हम क्या बोलेंगे? थैंक यू. एंड वन मोर थिंग, जब आप अपने घर में कुछ भी खा रहे होते हो, कुछ गिफ्ट लाते हो या कुछ खाने की चीज़ लाते हो या आप खाना खा रहे हो, तो यू हैव टू शेयर इट. आपको उसे क्या करना है? शेयर करना है. शेयर मतलब आपको सबके साथ मिलके खाना है, क्योंकि शेयरिंग इज केयरिंग. हमने पढ़ा है ना, शेयरिंग इज केयरिंग. तो सबके साथ अपने खाने की चीज़ और चीज़ें क्या करते हैं? शेयर करते हैं. क्योंकि जो शेयर करते हैं वो क्या होते हैं? गुड गुड गर्ल और गुड बॉय होते हैं. जो खाना शेयर करते हैं, अपनी चीज़ें शेयर करते हैं, अपने गेम्स शेयर करते हैं, वो क्या होता है? गुड गर्ल और गुड बॉयज. वेरी गुड. सो नाउ अब हमने पढ़ा है गुड मैनर्स. यू हैव टू डू इट, रिपीट इट ऑल डे, पूरे पूरे दिन एंड डेली यू हैव टू रिपीट दिस. नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी सम बेसिक हाइजीन. अब हम क्या पढ़ेंगे? कुछ बेसिक हाइजीन. सो लेट्स स्टार्ट. नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी माई बॉडी हाइजीन. हम अपनी बॉडी की कैसे केयर कर सकते हैं? फर्स्ट यू हैव टू ट्रिम योर नेल्स रेगुलरली. आपको अपने नेल्स क्या करने हैं? ट्रिम करने हैं. ट्रिम मतलब उसको कट करना है, क्योंकि अगर हम अपने नेल्स बड़े रखेंगे तो उसमें बहुत सारे जर्म्स हो जाएंगे. फिर हम उन्हीं हैंड से खाना खाएंगे और वो जर्म्स कहाँ चले जाएंगे? हमारे स्टमक में. और फिर वो हमें क्या करेंगे? बहुत सारे डिजीज़ हो जाते हैं ना, फिर हमारा स्टमक भी अपसेट हो जाएगा उससे. तो हमें अपने नेल्स क्या करने चाहिए? ट्रिम करने चाहिए. रिपीट आफ्टर मी, ट्रिमिंग माई नेल्स. क्या करने चाहिए हमें? ट्रिमिंग माई नेल्स. आपको रेगुलरली अपने नेल्स ट्रिम करने चाहिए. नेक्स्ट बॉडी हाइजीन इज ब्रशिंग. यू हैव टू डू ब्रशिंग माई टीथ रेगुलरली. सुबह मॉर्निंग में उठ के आपको क्या करना है? डेली अपने टीथ ब्रश करने हैं, और रात को सोने से पहले भी अपने टीथ क्या करने हैं? ब्रश करने हैं. तभी तो वो जर्म से लड़ेंगे, और फिर हमारे स्टमक में कुछ भी डर्टी डर्टी खाना या जर्म्स नहीं जाएंगे. तो हमें क्या करना चाहिए? अपने टीथ को ब्रश करना चाहिए रेगुलरली. वी हैव टू ब्रश आवर टीथ रेगुलरली. वी हैव टू ब्रश आवर टीथ रेगुलरली. रिपीट आफ्टर मी, वी हैव टू ब्रश आवर टीथ रेगुलरली. वेरी गुड. नेक्स्ट बॉडी हाइजीन इज
कॉम्बिंग माय हेयर. सबको अपने हेयर कॉम करने चाहिए ना, अगर हम उसको कॉम नहीं करेंगे तो बहुत टैंगल्ड हो जाएंगे. टैंगल्ड मतलब बहुत उलझ जाएंगे और ख़राब हो जाएंगे, है ना. सो हमें अपने हेयर क्या करने चाहिए, कॉम करने चाहिए. जैसे ब्रश से कॉम कर रहा है ना अपने हेयर्स, आपको भी अपने हेयर्स क्या करने चाहिए, कॉम करने चाहिए. रिपीट आफ्टर मी, कॉम्बिंग माय हेयर. रिपीट आफ्टर मी, कॉम्बिंग माय हेयर. अगेन, कॉम्बिंग माय हेयर. वेरी गुड. नेक्स्ट बॉडी हाइजीन इज चेंजिंग माई क्लोथ्स एवरी डे. हमें अपने क्लोथ्स क्या करने चाहिए, डेली चेंज करने चाहिए, है ना. हमें डेली वो सेम क्लोथ्स पहन के थोड़ी घूमेंगे, फिर तो हम बहुत अनहाइजीनिक हो जाएंगे ना, है ना. हमें अपने क्लोथ्स क्या करने चाहिए, डेली चेंज करने चाहिए. क्या करने चाहिए, हमें अपने क्लोथ्स डेली चेंज करने चाहिए. वेरी गुड. नेक्स्ट इज टेकिंग अ बाथ डेली. हमें डेली क्या करना चाहिए, नहाना चाहिए, है ना. तभी तो हमारी बॉडी से सारे जर्म्स चले जाएंगे ना, है ना. फिर हमारी बॉडी में जर्म्स ही नहीं रहेंगे. और वो गंदे बच्चे होते हैं जो डेली नहीं नहाते, सबको क्या करना चाहिए, डेली नहाना चाहिए. से रिपीट आफ्टर मी, टेकिंग अ बाथ. वेरी गुड. से टेकिंग अ बाथ डेली. वेरी गुड. रिपीट आफ्टर मी, टेकिंग अ बाथ डेली. हमें क्या करना चाहिए, डेली नहाना चाहिए. नाउ रिपीट आफ्टर मी, टेकिंग अ बाथ डेली. जैसे बेबी नहा रहा है ना, सबको ऐसे ही नहाना चाहिए डेली. नाउ आवर नेक्स्ट बॉडी हाइजीन इज वॉशिंग माई हैंड्स रेगुलरली. हमें अपने हैंड्स क्या करने चाहिए, रेगुलरली वॉश करने चाहिए. हर 15 मिनट्स, 20 मिनट्स और हाफ एन आवर बाद हमें क्या करने चाहिए. आजकल तो वैसे ही हमें ज़्यादा हैंड वॉश करना चाहिए ना, हमें अपने हैंड्स वॉश करने चाहिए. खाना खाने से पहले करने चाहिए, खाना खाने के बाद हैंड वॉश करने चाहिए, है ना. और अभी तो हमें सैनिटाइज़र भी यूज़ करना चाहिए, है ना. दैट इज़ गुड फॉर आर हैंड्स, है ना. वो जर्म्स को हमारे से क्या रखता है, दूर रखता है. सो वी हैव टू वॉश आर हैंड्स रेगुलरली. रिपीट, वॉशिंग माई हैंड्स रेगुलरली. रिपीट आफ्टर मी, वॉशिंग माई हैंड्स रेगुलरली. वेरी गुड. नेक्स्ट इज ड्रिंकिंग अ ग्लास ऑफ वाटर. हमें क्या करना चाहिए, डेली हमें एक ग्लास दूध पीना चाहिए, क्योंकि दूध में ना बहुत सारे गुड गुड चीज़ें होती हैं, वो हमारी बॉडी को बहुत स्ट्रांग बनाती है और हम बहुत स्ट्रांग रहते हैं. तो हमें क्या करना चाहिए, डेली क्या करना चाहिए, एक ग्लास मिल्क पीना चाहिए. रिपीट आफ्टर मी, ड्रिंकिंग अ ग्लास ऑफ मिल्क. वेरी गुड. ड्रिंकिंग अ ग्लास ऑफ मिल्क. हमें डेली क्या करना चाहिए, एक ग्लास दूध पीना चाहिए. तभी तो हम स्ट्रांग होंगे और हम जर्म से लड़ेंगी फिर हमारी बॉडी, वरना तो हम वीक हो जाएंगे, फिर हम जर्म से कैसे लड़ेंगे, है ना. सो यू हैव टू ड्रिंक अ ग्लास ऑफ मिल्क डेली. नाउ जस्ट रिकॉल आवर बॉडी हाइजीन, ओके. जस्ट रिपीट आफ्टर मी. फर्स्ट वन इज ट्रिमिंग माय नेल्स. फर्स्ट वन इज ट्रिमिंग माय नेल्स. वेरी गुड. नेक्स्ट इज ब्रशिंग माय टीथ रेगुलरली. ब्रशिंग माय टीथ रेगुलरली. वेरी गुड. नेक्स्ट इज कॉम्बिंग माय हेयर. रिपीट आफ्टर मी, कॉम्बिंग माय हेयर. वेरी गुड. नेक्स्ट इज चेंजिंग माई क्लोथ्स एवरी डे. आई डू चेंजिंग माई क्लोथ्स एवरी डे. आपको क्या करना, डेली अपने क्लोथ्स चेंज करने. नेक्स्ट इज टेकिंग अ बाथ डेली. टेकिंग अ बाथ डेली. वेरी गुड. नेक्स्ट इज वॉशिंग माई हैंड्स रेगुलरली. नेक्स्ट इज वॉशिंग माई हैंड्स रेगुलरली. वेरी गुड. एंड लास्ट वन इज ड्रिंकिंग अ ग्लास ऑफ मिल्क. लास्ट वन इज ड्रिंकिंग अ ग्लास ऑफ मिल्क. सो क्लास वी आर डन फॉर टुडे. टुडे आज हमने क्या सीखा, गुड मैनर्स एंड सम बॉडी हाइजीन. सो यू हैव टू डू इट रेगुलरली, लर्न इट एंड डू इट ऑन योर डेली बेसिस. टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, स्टे सेफ एंड स्टे होम.